कजरी तीज इस बार 6 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागन महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी व्रत रख रही हैं। ये व्रत सौभाग्य के लिए रखा जाता है, लेकिन कई बार व्रत के समय मासिक धर्म होने पर व्रत के खंडित होने का डर बना रहता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप मासिक धर्म में भी कैसे कजरी तीज का व्रत रख सकती हैं। सबसे पहली बात, अगर कजरी तीज के दिन आपको मासिक धर्म आया है तो आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन व्रत के सभी नियमों का पालन करना होगा। आपको स्नान करने के बाद कोरे वस्त्र ही धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यदि आप मासिक धर्म से हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप पूजा की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। आपको उस दिन नीमण माता के लिए बनने वाले भोग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप भगवान की किसी मूर्ति को स्पर्श ना करें। कजरी तीज के दिन आपको नीमण माता की पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर की किसी अन्य महिला से करा लेनी चाहिए। शाम के समय नीमण माता को स्वयं भोग न लगाएं, बल्कि उन्हें किसी और से भोग करवाएं। यदि आपने कजरी तीज का व्रत किया है तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।